किसी राजनीतिक दल के विरोध में या पक्ष में टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि आचार संहिता के मौलिक जो सीमा है उसका हनन होगा। हालांकि मैं उसके अंदर नहीं आता क्योंकि मैं चुनाव में नहीं हूँ, लेकिन मतदाता के नाते भी मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं इस समय किसी राजनीतिक दल पर वोट करूं। ये तो सर पहला चरण था, अभी भी और चुनाव होने हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहना है? एक छोटी सी जो बात मुझे चुभ रही है इस बार, चुनाव में जो उत्साह होता है जमीन पर, जो बहुत हलचल होती है, जो पिछले चुनाव में रंग था, जिसे रंग कहते हैं, जिसे आप लोग तलाशते हैं स्टूडियो में बैठ के, कहते हैं ना रंग कहाँ है चुनाव का, थोड़ा रंग मिसिंग है। वो रंग बदरंग तो फिर भी दिख रहा है कि अशोभनीय बातें की जा रही हैं, अशोभनीय टिप्पणियाँ की जा रही हैं। एक जो मौलिक रंग होता है, जैसे हम पहले देखते थे कि भाई शादी के अगले दिन दूल्हा पहुँच गया है, 100-100 वर्ष के एक बाबा जी और एक दादी जी पहुँच रही हैं, वो जो मतदान के प्रति उत्साह का रंग है वो थोड़ा सा मिसिंग है। मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा भारतीय लोकतंत्र में सहभागिता के लिए मतदाता बाहर निकलेगा। पिछले लोकसभा में अमेठी गए थे, इस लोकसभा में आप नहीं है, लेकिन आपके दोनों जो पिछली बार आपके सामने खड़े थे वो दोनों है, क्या लगता है अमेठी की जनता इस बार किसको चुनेगी? आपसे फिर कह रहा हूँ, अमेठी में मतदान होना है, देश में अन्याय का मतदान होना है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति या किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में टिप्पणी मौलिक आचार संहिता का उल्लंघन होगा। बड़े बड़े नेता उसका पालन नहीं कर रहे, हम जैसे सामान्य मतदाताओं को तो उसका पालन करना है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ जो आपकी डिनर पॉलिसी चल रही है, कोई रिजल्ट देगी क्या? सार्वजनिक जीवन में आने से पहले भी और बाद में भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उसके तमाम शीर्षस्थ नेताओं से मेरी एक मैत्री कवि के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक लेखक के रूप में सदा रही है। तो यदा कदा किसी न किसी समारोह में, आप ही के चरण के किसी प्रोग्राम में कोई ना कोई व्यक्ति मिलता रहता है, उसमें भाजपा के मित्र भी हैं, उसमें कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता भी हैं, उसमें अखिलेश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, भाई जैसे हैं वो भी हैं, उसमें बहन जी का मेरे प्रति स्नेह है बहुत पुराना, मिश्र जी का स्नेह है वो भी हैं। अब उसका कोई अर्थ निकालना, चूँकि चुनावी दौरान में किससे कोई मिल लिया कहीं किसी एयरपोर्ट पर या किसी चैनल के किसी प्रोग्राम में, तो उसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना। कुमार जी ने आपने सबकी बात करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इसमें बात नहीं करी, आप पुराने साथी रहे हैं उनके, दिल्ली में तो कहा कि मैं प्रासंगिक राजनीति की बात कर रहा हूँ। कुमार जी, क्या आपसे केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए संपर्क किया, दिल्ली में प्रचार करें आप?